हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये हमारे पास आइटन ग्रैंड आई है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, गाड़ी स्टार्ट करती है इसके RPM अप डाउन होते हैं और इसमें चेक लाइट भी आ रही है। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, देख सकते हैं आप, इसमें RPM भी हल्के हल्के ऊपर नीचे होंगे और इसमें चेक लाइट भी आ रही है। ए सी ऑन करते ये देख सकते हैं आप, और ऊपर नीचे हो रहे हैं हल्के हल्के। तो इसे स्कैन करेंगे, देखेंगे क्या फॉल्ट है, चाहेंगे लोकल डायग्नोस में लोकल डाइन करने जाएंगे एशिया में, करेंगे होंडाई। ओके ओके करने के बाद में जाएंगे हम इसमें मैन 16 DLC में, फिर मैनुअल सिलेक्ट। ओके फिर ओके, इसने पूरी गाड़ी डिटेल दे दी, कौन सा मॉडल की है, बिन नंबर से क्या है, कौन सा इसमें इंजन है। जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में, करेंगे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, डिफॉल्ट कोड इसमें आ रहा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर इंटेक सेंसर बैंक वन सिग्नल, इसका मतलब वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैमशाफ्ट का फॉल्ट आ रहा है इसका, इसका बोनट खोल करके इसका कैमशाफ्ट सेंसर हमारा इधर ही लगा हुआ है, और इसकी देख सकते हैं आप, इसकी एक वायर टूटी पड़ी है कैमशाफ्ट सेंसर की। तीन वायर होती हैं इसमें और इसकी एक वायर टूटी हुई है ग्रीन वाली, देख लिया आप। इसकी वजह से हमारे RPM अप डाउन हो रहे हैं गाड़ी AC ऑन करते ही। तो फॉल्ट हमारा मिल गया है गाड़ी का बोनट खोलते ही, तो इसका तार जोड़ेंगे। इसका तार जोड़ दिया अब हमने, तो इसमें स्कैन करेंगे, देखेंगे अब कोई फॉल्ट तो नहीं है हमारी गाड़ी में। चाबी ऑन कर ली हमने, जाएंगे स्कैन प्लस एक्स में, करेंगे लोकल डायग्नोस एशियन, जाएंगे होंडई। ओके ओके करने के बाद में फिर कर लेंगे सिस्टम पिन मैनुअल सिलेक्ट। ओके फिर ओके सिस्टम सेक्शन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल डिफॉल्ट कोड, ये हमारा कॉल ऑलरेडी जा चुका है, हमारा वायर जुड़ती। तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे चेकलाइट तो नहीं आ रही कोई हमारी, चेकलाइट भी नहीं हमारी गाड़ी में।